नमस्कार श्रोताओं, भले ही कोरोना की वैक्सीन आ गई हो, लेकिन महामारी से हुए नुकसान की तकलीफ लंबे समय तक महसूस की जाएगी। कोरोना के कारण बीते साल 1990 के दशक के बाद पहली बार दुनिया भर के मिडिल क्लास के लोगों की संख्या घटी है। इस वायरस संक्रमण ने साल 2020-21 में 23 करोड़ भारतीयों को गरीबी में धकेल दिया। इसकी सबसे ज्यादा मार युवाओं और महिलाओं पर पड़ी। वहीं कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने संकट को पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा दिया है। बेंगलुरु की अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च 2020 में भारत में लगाए गए सख्त लॉकडाउन ने करीब 10 करोड़ लोगों से रोजगार छीन लिए। इसमें 15% को साल खत्म होने तक काम नहीं मिला। महिलाओं पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा। करीब 47% महिलाएं पाबंदियों के खत्म होने के बाद भी रोजगार हासिल नहीं कर पाई। यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में उन लोगों को गरीब माना गया जिनकी रोजाना आमदनी 375 रुपए से कम है। इसमें कहा गया कि सबकी आमदनी घटी है, लेकिन महामारी का प्रकोप गरीबों पर सबसे ज्यादा पड़ा है। एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कोविड-19 के पहले से ही सुस्ती के दौर से गुजर रही थी, लेकिन महामारी ने इसे और धीमा कर दिया। एक अनुमान था कि पिछले साल 5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ जाते, लेकिन इसके उलट 20% परिवारों की आमदनी अप्रैल से मई 2020 में पूरी तरह खत्म हो गई। रिपोर्ट के एक लेखक अमित बासोले ने कहा कि दूसरी लहर हालात और खराब करने जा रही है। स्टडी में शामिल 20% लोगों ने बताया कि 6 महीने बाद भी उनके खाने पीने में सुधार नहीं हुआ, बल्कि करोड़ों लोगों के सामने भुखमरी का संकट पैदा हो गया है। पूरी दुनिया में साल 2020 के दौरान करीब 16 करोड़ लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ा। इसमें करीब 1,33,000 लोग ऐसे थे जो भुखमरी के चलते मौत के करीब पहुंच गए। इन्हें बचाने के लिए तत्काल भोजन की जरूरत थी। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई कि साल 2021 पिछले से ज्यादा भयानक होने वाला है। ये साल बेहद गंभीर और बदतर होगा। इसका खुलासा 16 संगठनों वाली संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट में किया गया है। यूएन रिपोर्ट 55 देशों में किए गए सर्वे पर आधारित है, जिसके अनुसार पिछले साल कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के चलते दुनिया भर को आर्थिक संकट से गुजरना पड़ा। ऐसे में लाखों लोगों को बिना भोजन के ही रहना पड़ा। हाल के सालों में भारत ऐसे देश के तौर पर उभरा है जहां गरीबी कम करने की दर सबसे ज्यादा थी। 2019 के गरीबी के वैश्विक बहुआयामी संकेतकों के मुताबिक देश में 2006 से 2016 के बीच करीब 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर निकाला गया। इसके उलट 2020 में दुनिया में सबसे ज्यादा गरीबों की तादाद बढ़ने वाले देश के तौर पर भारत का नाम दर्ज हो रहा है। विश्व बैंक के आंकड़ों के आधार पर प्यू रिसर्च सेंटर ने अनुमान लगाया है कि कोरोना के बाद की मंदी के चलते देश में प्रतिदिन $2 यानी करीब 146 रुपए या उससे कम कमाने वाले लोगों की तादाद महज पिछले एक साल में 6 करोड़ से बढ़कर 13 करोड़ 40 हजार यानी दोगुने से ज्यादा हो गई है। इसका साफ संकेत है कि भारत 45 साल बाद एक बार फिर सामूहिक तौर पर गरीब देश बनने की ओर बढ़ रहा है। क्या ये एक अस्थायी स्थिति है? सामान्य धारणा है कि आर्थिक प्रगति होने पर तमाम लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि ये कैसे होगा? लोगों ने खर्च कम कर दिया है या वे इसके लायक ही नहीं बचे हैं? उन्होंने अपनी सारी बचत गवा दी है, जिससे भविष्य में उनके खर्च करने की क्षमता कम हो चुकी है। सरकार भी इस त्रासदी के दौर में नाप तौल कर ही लोगों को राहत दे रही है। इसका मतलब है कि ये आर्थिक स्थिति फिलहाल बनी रहेगी। महामारी की तरह इससे निकलने का रास्ता भी अभी तय नहीं है। अंत में हम आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तौर पर खुद को सक्षम बनाए रखने की कोशिश करें। आशा करते हैं बुरा वक्त है, जल्द गुजर जाएगा। अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखें। कमेंट करके बताएं कि कैसे लगी आपको ये रिपोर्ट और इस मुद्दे पर क्या है आपकी राय। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, ऑडियो अगर पसंद आया है तो उसे पूरा सुनने के लिए गूगल प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें खबरी ऐप।